मैं इस वक्त खड़ा हूँ आपका कलकत्ता सिटी के रूबी हॉस्पिटल की बगल में, और मैं बहुत टेंशन में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आज पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट मिला है। मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस। आज मैं आप लोगों को कोलकाता पासपोर्ट ऑफिस के फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, हर स्टेप हर चीज़ बताऊँगा और वीडियो अंत तक देखते रहिए, ओके? तो फ्रेंड, अब है नंबर 2, एड्रेस, ठीक है? मैं एड्रेस के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर शियालदा से आएंगे तो शियालदा से आपको बहुत सारा बस मिल जाएगा, सिर्फ रूबी हॉस्पिटल। किसी को भी बस वाला को आप बोलिएगा रूबी हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? या किसी से भी पूछ लीजिए हमको रूबी हॉस्पिटल जाना है। रूबी हॉस्पिटल वहाँ पे आके, रूबी हॉस्पिटल के ठीक पीछे में ही आपका ये पासपोर्ट ऑफिस है। रूबी हॉस्पिटल वो जो मोड़ है, मोड़ पे उतार के आप किसी को भी पूछ लीजिएगा पासपोर्ट ऑफिस किधर है, सब लोग बता देगा, सब लोग दिखा देगा। और उस मोड़ पे ही आपका अगर पासपोर्ट एप्लीकेशन भी करना होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो और अगर आप शियालदा से तो हो गया आपका, और बालीगंज की ओर से आएंगे तो वहाँ से भी सेम प्रोसेस है, 5 मिनट ऑटो में लगेगा, 10 रुपया किराया लेगा, ठीक है? और अगर हावड़ा से आएंगे, हावड़ा से भी डायरेक्ट बस मिल जाएगा यहाँ का आपका रूबी का। जस्ट एक ही बात बोलना है, रूबी हॉस्पिटल जाना है। रूबी हॉस्पिटल में उतर के, रूबी हॉस्पिटल के सामने उतर के ही बस पीछे में ही पासपोर्ट ऑफिस है, ठीक है? ये है आपका एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब नेक्स्ट बता रहा हूँ। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे संग जुड़े रहना। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो प्रोसेस है, सब कुछ एकदम क्लियरली आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ओके? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पासपोर्ट ऑफिस में आप जब आएंगे कोलकाता में, ठीक है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नंबर 1, पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त आप जो पेमेंट किए हैं, आप पेमेंट करने के बाद आपको जो रसीद मिला है उसमें जो टाइम मेंशन किया हुआ है, उस टाइम के अनुसार आपको पासपोर्ट ऑफिस में आना होगा। उससे 30 मिनट्स पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, ठीक है? तो आप लाइन दीजिए 30 मिनट्स पहले। अगर आप लेट करेंगे तो आप ही का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? प्रॉब्लम होगा कि फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर से आपको टाइम निकाल के आना होगा, या कभी कभी होता है कि वो लोग छोड़ देता है, ठीक है? एक आप घुस सकते हैं किंतु आपका टाइम वेस्ट होगा ना, इसीलिए आप सबसे बेटर ये होगा कि आप 30 मिनट्स पहले ही वहाँ पे आ जाए और लाइन लगाए, ठीक है? अभी स्टेप नंबर 2, आप गेट से एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक टेबल मिलेगा और वहाँ पे साइन करने के लिए आपको बोला जाएगा। आप एक साइन कीजिए, आपका एड्रेस, आप जहाँ से आए हैं वहाँ का एड्रेस मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। लिखने के बाद आप सीधा थोड़ा सा 50 कदम चलेंगे शायद, चलने के बाद आपको वीडियो आप देख लीजिए। देख लिया ना वीडियो? ओके, तो आपको गेट में फिर 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे कम से कम 50 आदमी या 20 आदमी या 10 आदमी जो भी हो, आपको लाइन देना पड़ेगा फिर से एक बार। दोस्तों, मैं इस वक्त पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ। मुझे गेट से लाइन देने के बाद एंट्री मिल गया है। अब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ प्रोसेसिंग के लिए। अब फिर शायद लाइन देना होगा, कुछ यहाँ पे लाइन दिख रहा है। तो 10 मिनट्स वहाँ पे वेट कीजिए, उसके बाद गेट के अंदर एंट्री कीजिए। तो गेट के अंदर एंट्री करने के बाद स्टेप नंबर थ्री, आप नेक्स्ट गेट के बाद जो आप अंदर गए हैं वहाँ पे काउंटर मिलेगा, इंक्वायरी काउंटर 2 ठो, और जो लोग तत्काल पासपोर्ट बनाते हैं उन लोगों के लिए अलग है, वो 3rd नंबर है काउंटर, ठीक है? तो आप अगर नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए इंक्वायरी का 2 लाइन है, आप वहाँ पे लाइन लगाइए। वहाँ पे भी फिर आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा लाइन पे। तो वहाँ से आपको एक टोकन देगा, ठीक है? वो टोकन लेंगे, टोकन लेके आप सीधा चले आइए इसके अंदर साइड में, लेफ्ट साइड में आपको बैठने के लिए बहुत सारा चेयर मिलेगा। अच्छा, अब है स्टेप नंबर 4, ठीक है? आपको जो टोकन मिला है
वो टोकन आपको वो लोग कंप्यूटर में लोड कर लिए हैं, तो आप उसके बाद आपको नंबर देता है, टोकन देता है, तो आप वो टोकन लेके चेयर में बैठ जाइए, सामने बैठने का चेष्टा करेंगे। तो ये चेयर में आप सामने बैठने का कोशिश करेंगे क्योंकि ऊपर में एलसीडी लगा हुआ है, ठीक है। एलसीडी में आपका जो टोकन नंबर है हमेशा याद रखिएगा, आपका जो सीरियल है ए होगा, ए सीरियल फर्स्ट स्टेप है, तो वो टोकन आप देखते रहिए और एलसीडी में आपका नंबर देखते रहिए, ठीक है। आपको कोई बुलाने वाला है नहीं, अगर एकदम होल्ड हो जाएंगे बहुत सारा टाइम में आप बैठे रहेंगे वहाँ पे, फिर जाके अनाउंस करेगा आपका नाम से, तो आपको वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। आप तो शायद इंटेलिजेंट होंगे, और नहीं है तो फिर अलग बात है। तो आप वो टोकन देखिए वहाँ पे जो नंबर आपका आता है टोकन में, देख के फिर एक कैटेगरी में आप चले जाएंगे, एक एक काउंटर सीरियल में आपका जो भी काउंटर आएगा आपका नंबर मेंशन होगा, आप वहाँ चले जाइए, ओके। अच्छा, आप जब टोकन लेके जब अंदर जाएंगे तो वो ए काउंटर का उन लोगों का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। तो आप टोकन लेके जब एलसीडी में आप आपका टोकन देख लिए हैं, ग्रीन सिग्नल हो गया है, वहाँ पे सिग्नल आएगा येलो कलर, रेड कलर एवं एंड ग्रीन, ठीक है। तो आप सिग्नल देख लिए तो आप जो भी काउंटर मेंशन होगा वहाँ पे आपका सीरियल आएगा, तो आप अंदर घुस जाइए, उस काउंटर में चला जाइए। तो वहाँ का प्रोसेस क्या है, वहाँ का प्रोसेस है आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, आपको ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा, जो जो पासपोर्ट बना के टाइम आप एप्लीकेशन करते टाइम जो सबमिट किए हैं, जो आप बोले हैं ऑप्शन चूज़ किए हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आना होगा, ठीक है। तो वो सब आपको वहाँ पे शो करना होगा, स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपका फ़ोटो खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टेप नंबर 4, अब बता रहा हूँ आप लोगों को स्टेप नंबर 5, ठीक है। वहाँ पे आपका बी काउंटर आएगा, बी काउंटर भी सेम प्रोसेस, आपको वेट करना होगा, एलसीडी में आपका टोकन नंबर देखना होगा, जब आएगा संग संग आपका काउंटर नंबर मेंशन होगा, आप बी सीरियल में चले जाइए बी काउंटर में, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर उन लोग थोड़ा सा चेक वेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद आपको स्टेप नंबर 6 मतलब सी कैटेगरी में आप जाएंगे, आपको सी कैटेगरी में जो एलसीडी लगा हुआ है वो वहाँ पे दिखाई देगा, आपका टोकन नंबर सी कैटेगरी के एलसीडी में दिखाई देगा, अब वहाँ जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आपको फिर काउंटर नंबर सी कैटेगरी के जो काउंटर नंबर आएगा वहाँ आएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, तो आपका याद रखिएगा आपका पासपोर्ट होल्ड में रखा जाएगा, ठीक है। आपका पासपोर्ट होल्ड में रखेगा जब तक वो क्लियरेंस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका पासपोर्ट होल्ड में रखेगा। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जरूरी है, अगर आपका कोई फॉल्ट होता है तो फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर से आना होगा पासपोर्ट ऑफिस में। तो आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एकदम हमेशा याद करके रखिए लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आप फिर जाइए बी सी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में थोड़ा चेक वेक करेगा, उसके बाद आपका चेकआउट एकदम गेट में, आपका टोकन जो है वो टोकन आपको गेट में मिल जाएगा, आप गेट में लेके फिर स्टेप है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर कोई सवाल हो इस वीडियो को लेके या मेरे को कुछ छूट गया बोलने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन में भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं फिर से और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।